जय माता दी, जय मां कामाख्या। आपकी शंका और हमारे द्वारा दिए गए समाधान, प्रश्न यह है कि पीपल में जल कब देना चाहिए ताकि फल अच्छा मिल सके। शास्त्र सम्मत बात बताई जाए, ऐसा उसने लिखा है प्रश्न ने। कोई बात नहीं, शास्त्र के अनुसार ही हम ये बताएंगे कि पीपल में दिया गया जल जो है पितरों को दिया जाता है और पितर को जल दूसरे प्रहर में देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। पीपल में जो भी जल चढ़ाते हैं वह पितरों को जाता है और पितरों को जल जो है दूसरे प्रहर में दिया जाता है, और दूसरा प्रहर जो है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलता है और सूर्य नारायण भगवान को जो जल देना चाहिए वह 9 बजे के पहले पहले दे देना चाहिए। अब बहुत से मनुष्य 9 बजे के बाद पितरों को जल देते हैं तो उनको कोई कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जिनका सूर्य कमजोर हो, जो सूर्य को प्रबल करना चाह रहे हैं, जो अपने पिता से प्रेम करते हैं, जो अपने पितरों से प्रेम करते हैं, या जिनको पितृ दोष की उत्पत्ति है, जिनका सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, सूर्य गड्ढे में गिर गया हो यानी अष्टम भाव का बैठा हो, सूर्य शनि की युक्ति हो, ऐसे सब परिस्थितियों में सूर्यनारायण भगवान को जल किसी भी हालत में सुबह 9 बजे के पहले पहले चढ़ा देना चाहिए। जय मां कामाख्या। कमख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। सूर्य के पुत्र हैं शनि, और ऐसा भी कहा जाता है कि शास्त्रों में कहानियां जो बताई जाती है उसमें ऐसा लिखा हो कि दोनों की कभी भी नहीं बनती है। इसलिए पहले पिताजी को जल देना चाहिए फिर पुत्र को जल देना चाहिए। और ऐसे भी नियम यह कहा गया है कि पीपल को जल जो है केवल शनिवार को जल चढ़ाना चाहिए, यानी शनि की शांति के लिए चढ़ा रहे हो तो, और पितरों की शांति के लिए कर रहे हो तो 9 से 12 बजे के बीच में करना चाहिए। शनि चालीसा में भी लिखा गया है कि पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। इसका अर्थ यह है कि दिवस अर्थात दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच शनिवार को पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना और दीपक लगाना शुभ फल देता है शनि के लिए। जिनका शनि खराब हो उनको, बहुत से मनुष्य इसी उधेड़ बुन में रहते हैं क्योंकि उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिलती है और वो भटकते रहते हैं। जो शास्त्र की बात है वह बात देवराधा ट्रस्ट के द्वारा बताई जाती है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि 9 बजे के पहले पहले प्रतिदिन सूर्यनारायण भगवान को अर्घ दे देना चाहिए तो ही सूर्य की कृपा मिलेगी, और 9 बजे से 12 बजे के बीच में यदि आप सूर्यनारायण भगवान को या पीपल देवता को जल चढ़ाते हैं तो वह पितरों को जाता है, इस बात का ध्यान रखें।
केवल शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर केवल शनि की शांति के लिए चढ़ाना चाहिए और दीपक भी जलाना चाहिए। पीपल का वृक्ष लगाने से पितृ, प्रेत, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी प्रसन्न होते हैं, सबकी कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से गुरु महाराज भी शांत होते हैं। जिनका गुरु खराब हो उनको गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जिनका शनि खराब है उन्हें शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलप्रतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी।